भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रउआ लोगन के हमार प्रणाम। वाल्मीकि ऋषि के तपोभूमि, लव कुश के जन्मस्थली, आज चंपारण सत्याग्रह के पुण्य भूमि पर आके बड़ा नीमन लागत बा। गंगा के मिठास ओसे बढ़के यहां के लोग के मीठा बोलिया स्वभाव। थारू समाज के कल्याण के लिए समर्पित रहे प्रेम नारायण गढ़वाल जी को भी आज नमन करता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री, हमारे मित्र और भावी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, बिहार भाजपा अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी और इसी धरती के संतान हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई संजय जायसवाल जी, संसद में मेरे साथी सतीश चंद्र दुबे जी, भाई संजय झा जी उम्मीदवार, श्रीमान सुनील कुमार जी एनडीए। बहनों, इस रैली में पश्चिमी चंपारण समेत अन्य क्षेत्रों से भी लोग मौजूद हैं। क्षेत्र के काफी लोग डिजिटल तरीके से भी इस रैली का हिस्सा बने हैं। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहां जो उत्साह से भरे हुए मेरे नौजवान साथी हैं, अब देखिए जगह छोटी पड़ गई है, कृपा करके आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। अब जहां है वहीं पर रुकना पड़ेगा जी। ये आपका प्यार है जी, चारों तरफ जहां मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये अपार प्यार, ये आपके आशीर्वाद हम सब के लिए एक नई शक्ति दे रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं। मैं आपके प्यार को बार बार नमन करता हूं, बार बार नमन करता हूं। भाई और बहनों, चंपारण एक प्रकार से भारत की आस्था, आध्यात्म और हमारे सामर्थ्य को परिभाषित करने वाली धरती है। यहां भगवान बुद्ध के निशान भी है। यहां से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी नई दिशा मिली, नई चेतना मिली। चंपारण की ये पूज्य बापू के सत्याग्रह की धरती है। खेती और किसान कैसे राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि का हिस्सा हो सकते हैं, ये इसी धरती ने करके दिखाया है। इस धरती ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व को
एक नई धार दी, गहरी धार दी। साथियों, आज जब 21वीं सदी के नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया है, तब भी मैं गर्व से कह सकता हूं चंपारण अग्रणी भूमिका में है। पूज्य बापू ने यहां से देश को स्वच्छाग्रह का रास्ता दिखाया था। आज स्वच्छ भारत अभियान पूरी दुनिया में भारत की पहचान का हिस्सा बन चुका है। आज पूरा देश खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुका है, तो इसमें चंपारण का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज जब आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्य को लेकर देश आगे बढ़ रहा है, तो इसमें भी चंपारण अहम भूमिका निभाने वाला है। असल में बापू ने यहीं से स्वावलंबन को सत्याग्रह का एक व्यापक हिस्सा बनाया था। यहीं से गांधी जी ने गांव के स्वावलंबन के अपने विजन का और उस बात को आगे बढ़ाया था। भाइयों और बहनों, आज चंपारण को एक बार फिर वही संकल्प लेना है जो उसने आजादी के समय भी लिया था, देश को प्रेरणा दीजिए। आज फिर चंपारण के लोगों को संकल्प लेना है कि जो भी आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं, उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से सबक सिखाया जाएगा। भाइयों और बहनों, आज बिहार को आत्मनिर्भर भारत का सारथी बनाने का संकल्प अगर भाजपा ने, एनडीए ने लिया है, तो उसके पीछे यहां की सरकार का नीतीश जी के नेतृत्व में अनवरत परिश्रम रहा है। बीते सालों में इस पूरे क्षेत्र में, खास तौर पर जनजातीय क्षेत्रों में भी सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं पहुंच पाई है। साथियों, इस क्षेत्र में शुद्ध पीने के पानी के अभाव में हमारी इन बहनों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गंदे पानी के कारण कितनी बीमारियां हमारे छोटे छोटे बच्चों को होती थी। ऐसी इस समस्या से निजात दिलाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 4.25 लाख से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पीने का पानी सुविधा पहुंच चुकी है और बाकियों को भी पहुंचने वाली है। इस क्षेत्र में गरीबों के लिए 55,000 से ज्यादा गरीब को पक्के घर दिए जा चुके हैं। लगभग 4 लाख बहनों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया है। पश्चिम चंपारण के 2.5 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 200 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। यानी करीब करीब हर गरीब परिवार तक सरकार पहुंची है, सरकार की सुविधा पहुंची है। इसमें भी वंचित
और आदिवासी परिवारों को सबसे अधिक सुविधाएं नीतीश जी के नेतृत्व में बीते सालों में मिली है। साथियों, चंपारण का, बिहार का ये हिस्सा थारू जनजाति के साथियों के तप, त्याग और तपस्या का प्रतीक है। थारू जनजाति की पीढ़ियों ने भाजपा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। थारू समुदाय की पीढ़ियों ने जनजाति का दर्जा पाने के लिए लंबा इंतजार किया। दशकों तक देश में जिनकी सरकारें रही हैं, उन्होंने कभी भी इस तरफ थारू समाज की तरफ गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जिसमें नीतीश जी भी मंत्री थे। यह अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार ही थी जिसने थारू समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया था। भाई और बहनों, जनजातीय समाज को अधिक से अधिक अवसर मिले, अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले, ये भाजपा की एनडीए की प्रतिबद्धता है। बीते सालों में जनजातीय समाज की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक सारे काम किए गए हैं। आदिवासी युवाओं की शिक्षा और कौशल को निखारने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का नेटवर्क पूरे देश में जाल बिछाया जा रहा है। आदिवासी नायकों के सम्मान के लिए 1857 के स्वतंत्र संग्राम से लेकर के बिरसा मुंडा जैसे लक्षावधि लोगों ने मातृभूमि की आजादी के लिए कष्ट झेले, तप किया, इन सबको, देश की भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिले, इसलिए ऐसे मेरे आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए म्यूजियम से लेकर हर प्रकार के प्रयोगों का, हर प्रकार के प्रयासों का एक सिलसिला चल रहा है। हमारी कोशिश है कि यहां की थारू जनजाति, उरांव जनजाति और देश की हर वनवासी भाई बहन समृद्धि और सम्मान से अपना जीवन यापन करे। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के साथ ही यहां इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। सरकार इनके विकास के लिए भी निरंतर काम कर रही है। इससे यहां के स्थानीय युवाओं के लिए, थारू जनजाति के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। भाइयों बहनों, जनजातीय समाज देश की सुरक्षा, समृद्धि और संस्कारों के संरक्षक रहे हैं। ये चंपा अरण्य तो रामायण काल से ही इसका जीता जागता साक्षी रहा है। जनजातीय समाज ने हर कदम पर प्रभु राम का, माता सीता का साथ दिया। इसलिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का इंतजार भी हमारे वनवासी साथी पीढ़ियों से कर रहे थे। आज पूरे देश के सहयोग से, जनभागीदारी से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन इस समय भी आपको उन लोगों को नहीं भूलना है जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहे थे। राम मंदिर निर्माण में अड़चने खड़ी कर रहे थे। साथियों, राजनीतिक स्वार्थ के लिए एनडीए के विरोध में खड़े लोगों के पास ना तो तथ्य है और ना ही उनके पास तर्क है।
राष्ट्रहित और जनहित के लिए उठाए गए हर कदम का विरोध करना, हताशा निराशा का वातावरण पैदा करना, नकारात्मकता नकारात्मकता नकारात्मकता, यही इनकी रणनीति है। भय और भ्रम का माहौल समाज में फैलाने का ही काम इनके पास बच गया है, यही काम रह गया है। इन्होंने भ्रम फैलाया और कैसा कैसा झूठ बोलना और कैसा बड़ी भोले भाले चेहरे के साथ झूठ बोलना और बार बार जहां जाए वहां बोलते रहना। उन्होंने झूठ फैलाया कि एनडीए एससी एसटी आरक्षण को खत्म कर देगी, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपको मालूम है यही एनडीए सरकार, यही मोदी की सरकार और यही पार्लियामेंट ने 10 साल के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं, कई दशकों से सामान्य वर्ग के लोग मांग करते थे कि भाई हम सामान्य वर्ग के लोग हैं लेकिन हमारे में भी गरीबी है, कोई तो हमारी तरफ देखो। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने सामान्य वर्ग की उपेक्षा की, हमने हिम्मत के साथ सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% का आरक्षण दे दिया और इस देश में कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई जहर नहीं फैला, कहीं जातिवाद की बलि कोई चढ़ा नहीं, सबको साथ लेकर के इतना बड़ा फैसला किया, सब समाज ने स्वीकार किया, क्योंकि हम एक ही मंत्र को लेकर के जीते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा गई तब भी इन्होंने यही कहा कि कश्मीर में आग लग जाएगी, खून की नदियां बहेगी, भारत और कश्मीर का नाड़ का संबंध कट जाएगा, न जाने क्या क्या बोला। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख शांति से विकास के नए पथ पर अग्रसर है, और इतना ही नहीं, आज जम्मू कश्मीर के लोग एक ही मांग करते हैं, हर नागरिक एक मांग करता है कि भ्रष्टाचार, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में जो भ्रष्टाचार पनपा है, कुछ ही परिवारों ने जो अनाप शराप गरीब के पेट से लूटा है, मोदी जी उनको कुछ करो, उनकी सजा करो। कश्मीर से एक ही आवाज उठ रही है, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाओ। और मैं कश्मीर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मेरे पर विश्वास रखा है, मैं आपकी लूटी हुई पाई पाई लौटाने के लिए सारे कानूनी तरीकों का उपयोग करूंगा, आपको न्याय दिलाऊंगा। जब नागरिकता संशोधन कानून आया तो इन्होंने झूठ फैलाया कि बहुत सारे भारतीयों की नागरिकता चली जाएगी। अब एक साल होने को है लेकिन क्या किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता गई है? साथियों, झूठ बोलकर लोगों को डराकर ये लोग हमेशा अपने स्वार्थ की सिद्धि करते रहे हैं, आप लोगों का विश्वास तोड़ते रहे हैं। आज बिहार के सामने एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने बिहार में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए। दूसरा है एनडीए, जिसने बिहार की सेवा के डबल इंजन की ताकत दी है। एक पक्ष है
का जिसने बिहार की सड़कों को खस्ता हाल बना दिया, दूसरा है एनडीए जिसने नए हाईवे, रेलवे, वाटरवे और एयरपोर्ट बनाकर बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत की है। और ये कनेक्टिविटी सिर्फ दूरियों को दूर नहीं करती है, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य से भी जोड़ती है। एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने गरीबों के पैसों से घोटाला किया, दूसरा है एनडीए जिसने गरीबों के अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचाए हैं। एक पक्ष है जंगल राज का, जो किसानों के नाम पर बिचौलियों के हित की राजनीति करता है, दूसरा है एनडीए जो किसानों के सम्मान और स्वाभिमान के काम करता है। एक पक्ष है जंगल राज का, जो अंधेरा वापस लाना चाहता है ताकि लालटेन फिर जले, दूसरा है एनडीए जिसने हर गांव तक बिजली पहुंचाकर घरों को दूधिया बल्ब से प्रकाशित करने का, रोशन करने का काम किया है। एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने दशकों तक बिहार को 3 मेडिकल कॉलेज के सहारे चलाया, दूसरा है एनडीए जो बिहार की हर लोकसभा में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए काम कर रहा है। साथियों, अगर कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, देश देखिए आजाद देश की दशा क्या करके रखी है, अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ा है तो डॉक्टरी नहीं पढ़ सकता है, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकता है। मैं बिहार को बधाई देता हूं, उन्होंने संकल्प किया है कि नई सरकार बनने के बाद बिहार में मातृभाषा में मेडिकल कॉलेज, मातृभाषा में इंजीनियरिंग कॉलेज, ताकि मेरी गरीब मां का बेटा जिसने अंग्रेजी स्कूल देखी नहीं है वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाए। गांव का बच्चा जो अंग्रेजी नहीं जानता है वो भी अब डॉक्टर बन करके बिहार के लोगों की सेवा कर पाएगा। भाइयों, साथियों, बिहार के लोग भूल नहीं सकते जंगल राज के वो दिन। मैं जरा याद कराना चाहता हूं, और मैं जो 35-40 ऊपर की उम्र के जितने भी लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को, अपने घर के जवान बेटों को, बेटियों को ये बात बार बार याद कराइए, बार बार उनको बताइए आपने कैसे दिन देखे थे। एक एक घटना मैं आज याद कराना चाहता हूं, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख में आंसू निकल पड़ते हैं। क्या बिहार में वो दिन दोबारा आने देंगे? आपको याद है लोग अपनी मेहनत के पैसों से दिन रात धंधा करके जो पैसे बचाए, और अगर गाड़ियां खरीदने के बाद शोरूम से बाहर निकलने से पहले ही नई गाड़ी खरीद के निकले हैं, लेकिन खुद ही गाड़ी पे खरोंच कर देते थे, गाड़ी को पुरानी बना देते थे। सोचिए, अपनी चमचमाती गाड़ी का जो पेंट होता था मालिक खुद ही उसको खराब कर देते थे, कई बार खुद ही शोरूम में खड़ी अपनी कार में डेंट लगा देते थे। क्यों ऐसा करना पड़ता था?
किसको अपनी नई गाड़ी अपनी मेहनत से कमाई गाड़ी को इस प्रकार से बदरूप बनाने की क्यों इच्छा होती है? उसका कारण था ताकि शोरूम से बाहर निकलते ही कोई उनकी नई गाड़ी देख करके लूट न ले, ये डर रहा करता था, ताकि अगर उनकी गाड़ी दिखने में जरा खराब लगती है, बेकार लगती है, पुरानी लगती है, तो फिर ये लुटेरों की नजर नहीं पड़ेगी, और इसलिए शोरूम से ही ऐसे गाड़ी निकालनी पड़ती थी। भाइयों और बहनों, बिहार ने वो दिन भी देखे हैं जब रंगदारी की शिकायत करने के लिए, अगर रंगदारी की शिकायत करने के लोग किसी के पास अगर गए भी तो उन्हें डबल रंगदारी देनी पड़ती थी, चार्ज बढ़ जाता था। तुमने शिकायत क्यों की? ये सजा। गाड़ी लूटी जाने की शिकायत करने के लिए लोग जिसके पास अर्जी लेकर जाते थे वो खुद लुटेरों के साथ घर में बैठा मिलता था। ये सारी घटनाएं बिहार के पुराने लोग जानते हैं। लोग अपने घरों को सामने से सजाते नहीं थे, बड़े घर बनाने से डरते थे, अपने ही घर को सामने से पुराना ही रंग रूप रखा करते थे। उन्हें डर था, खौफ था, अगर घर जरा बड़ा लगा, अच्छा लगा, तो किडनैपिंग उतनी ही किडनैपिंग जल्दी हो जाएगी। घर जितना बड़ा, रंगदारी भी उतनी बड़ी। ये हाल कर दिया था इन लोगों ने बिहार का। इसलिए आप लोगों को जंगराज वालों से बहुत सावधान रहना है, जंगल राज के युवराज से सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, इन लोगों ने गरीब के दुख को कभी समझा ही नहीं है। इन लोगों ने हमारे रेहड़ी ठेले पटरी पर काम करने वाले लाखों स्वाभिमानी छोटे व्यवसायियों को भी अपने हाल पर छोड़ दिया था। अब देश के इतिहास में पहली बार इन छोटे व्यवसायियों की उनकी सूद ली गई है, उनको बैंकों से, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। पीएम स्वनिधि योजना से पहली बार उनको बैंक से सीधे सस्ता लोन तो मिल ही रहा है, अब उनको एक प्रकार से सिस्टम में रजिस्ट्री भी मिली है। यही स्थिति गांव में रहने वालों के घरों को लेकर थी, उनकी जमीन को लेकर थी। पीढ़ी दर पीढ़ी उन घरों में रह रही है, लेकिन उनका मालिकाना दस्तावेज उनके पास नहीं है, जिसके कारण गरीब वंचित शोषित वर्ग के सामने एक आशंका, एक चिंता हर बार बनी रहती है। हर बार जमीन को लेकर, मकान को लेकर, कभी एक फुट के लिए, दो फुट के लिए, कभी पूरे मकान के लिए लगातार विवाद होते रहते हैं, मार पिटाई होती रहती है, कभी कभी हत्याएं हो जाती है। जरूरत पड़ी तो उनको अपना वो घर किसी दूसरे के पास अगर रखना भी पड़ता है, शहरों की प्रॉपर्टी की तरह बैंक से उनको ऋण भी नहीं मिल पाता था। गांव अब गरीब की इस परेशानी पर इनका कभी ध्यान ही नहीं था। आज देश के छह राज्यों के लाखों परिवारों को उनके घर का मालिकाना हक, प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा, और वो भी टेक्नोलॉजी के द्वारा, ड्रोन के द्वारा सर्वे करके दिया जा रहा है। बिहार में जैसे ही एनडीए की सरकार फिर बनेगी तो जो काम छह राज्यों में शुरू हो चुका है वो बिहार में भी आगे बढ़ेगा, और यहां भी हर गरीब को उसकी संपत्ति का कागज उसके पास होगा। भाइयों और बहनों, अब जंगल राज की इन ताकतों को
बिहार में जरा भी मौका नहीं देना है। बिहार के कोने कोने में घूमने के बाद मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि बिहार में फिर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है, बरसक आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका वोट एनडीए को, एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवारों को पड़ा। आप देख लीजिए बिहार आत्मनिर्भर बिहार के कदमों पे चल पड़ेगा। याद रखिए, पहले मतदान फिर जलपान। भाइयों बहनों, पहले चरण के मतदान के लिए भी मैं बिहार के मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा। कितनी आशंकाएं थी कि मतदान कम होगा, लेकिन जिस धरती पर लोकतंत्र का पहला पालना हुआ था, जहां पहली अंकुरें फूटी थी, जो धरती लोकतंत्र की जन्मदाता है, मानव जात को लोकतंत्र की शिक्षा जिस धरती ने दी है, यहां के बिहार के मेरे लोगों ने लोकतंत्र की निष्ठा को दिखाते हुए मतदान की टकावारी को बढ़ा करके एक सारी कल्पनाओं को झूठा कर दिया। भाइयों, बधाई के पात्र है बिहार के लोग। भाइयों बहनों, पहले चरण के जो रुझान समझ में आ रहे हैं, हम लोगों की भी जितनी राजनीतिक समझ है, उससे हम जो चीजों को समझ रहे हैं, पहले चरण से ही बिहार की जनता ने जंगल राज की एंट्री के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। भाइयों बहनों, आज मतदान का जो अगला चरण है, उसका प्रचार अभियान भी पूर्ण हो रहा है। आज देश के भी अनेक राज्यों में उपचुनाव चल रहे हैं, उनका भी प्रचार अभियान आज शाम को 5 बजे पूर्ण हो रहा है। देश के जिन जिन राज्यों में उपचुनाव चल रहे हैं, जहां 3 तारीख को मतदान होने वाला है, देश के कई राज्यों में काफी मात्रा में उपचुनाव चल रहे हैं, मैं उन राज्यों के, उन मत क्षेत्र के मतदाताओं से भी आज पूज्य बापू की इस तपोभूमि से आग्रह करता हूं कि उन इलाकों में उपचुनाव हो तो भी लोकतंत्र में हम सबका दायित्व है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और उन क्षेत्रों में भी एनडीए के सभी उम्मीदवारों को आप ज्वलंत विजयी बनाएं। जिस राज्य में भी ये उपचुनाव हो रहे हैं, वहां सभी मतदाताओं से भी मैं आज इस पवित्र धरती से आवाहन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, आशीर्वाद देना, इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, भाइयों बहनों, मैं अपने आप को बहुत धन्य अनुभव करता हूं। हम सब आपके जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मतदान अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।